होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11 होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11 जब इसराइल लड़का था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुला लाया, परंतु जैसे वे उनको बुलाते थे वैसे वे उनके सामने से भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए, और मैं एप्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिया फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उसका चंगा करने वाला मैं हूं। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे वैसा ही मैंने उनसे किया। वह मिस्र देश में लौटने न पाएगा, अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। और तलवार उसके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नाश करेंगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण से होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे प्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं तुझे शत्रु के वश में क्यों कर दूं? मैं तुझे क्यों कर अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा और न मैं फिर कर एप्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं, मैं क्रोध करके न आऊंगा। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो सिंह की नाई गरजेगा और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। वे मिस्र से चिड़ियों की नाई और अश्शूर के देश से पंडुक की भांति थरथराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरानों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। एप्रेम ने मिथ्या से और इसराइल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वासयोग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहा है।